डार्क नाइट ट्रिलॉजी तो आपने देखी ही होगी, और अगर नहीं देखी तो देख लो, और देख ली है तो आज उसके कैरेक्टर्स का मीनिंग हम समझाएंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए सुपर रॉयड के साथ। क्या अलग है द डार्क नाइट और बैटमैन की मूवी में? वो है उसके बैटमैन को दिखाने का तरीका। पहले बैटमैन सिंपल एक हीरो दिखाया जाता था, बट द डार्क नाइट में नोलन सर ने उसे उसका असली मीनिंग समझा दिया लोगों को। उसका असली मीनिंग समझने के लिए हमें सबसे पहले डिफरेंस समझना होगा एक गॉड का और एक प्रोटेक्टर का। गॉड अगर अच्छी तरह माने तो गॉड एक इल्यूजन है जो कि बहुत ही ग्रेट लोगों ने बनाया है नॉर्मल लोगों को सही रास्ते पे चलाने के लिए। गॉड एक सिंबल है, डर का सिंबल है क्रिमिनल्स के लिए, होप का सिंबल है अच्छों के लिए, और मैनकाइंड को एक डायरेक्शन दिखाने का सिंबल है। वहीं प्रोटेक्टर जो है वो टास्क ऐसे करता है, फाइट करता है क्रिमिनल्स से और उन्हें मारता है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। बैटमैन एक बिल्कुल अच्छी लाइन में है उन दोनों के बीच में, गॉड और प्रोटेक्टर के, जो कि नोलन सर ने ट्रूली दिखा दिया। तो नोलन ने क्या दिखाया उसमें? तो बैटमैन वो नहीं है जो क्राइम से फाइट करता है जैसे स्पाइडरमैन या फिर आयरन मैन। ब्रूस वेन चाहता है एक सिंबल खड़ा होना बुराई के खिलाफ, उसके बाद भी जब वो मर जाए, क्योंकि वो कोई ऐसा करना नहीं चाहता था कि आयरन मैन सिर्फ टोनी स्टार्क है। नहीं, वो ऐसा करना चाहता था कि बैटमैन कोई भी हो सकता है। वो क्रिएट करना चाहता था एक सिंबल जो गाइड करे लोगों को सही पाथ पे चलने के लिए। बैटमैन हम सब के जैसा था, जब वो गिरता था, जब वो डरता था, जब वो गिल्टी फील करता था अपने इविल थॉट्स पे, वो हमारी तरह ही था। बट उसको हमसे अलग बनाती है उसकी एक चीज कि वो हमेशा ट्राई करता था खड़े होने का जब वो गिरता था, ट्राई करता था अपने ग्रेटेस्ट फियर को टकराने का, उससे टकराने का, और बिलीव करता था एक्शन में। वो कभी भी पास्ट को लेके चिंतित नहीं रहता था। देयर इज गुड एंड बैड इन एवरीवन, बट इट्स योर एक्शन दैट डिफाइंस हु यू ट्रूली आर। जनरली अगर हम देखें, हम सभी के अंदर इविलनेस होती है, थोड़ी सी ही सही बट होती है, और हम उसे अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें उन पर प्राउड नहीं होता। अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो हमें एकदम से गिल्टी फील होती है। तो यही तो डिफरेंस है हम में और जोकर में। जोकर एक ऐसा मैन है जो प्राउड फील करता है और बहुत ही आनंद आता है उसे अपनी इविल थॉट्स पे। इविल का मतलब यहाँ पे कोई रेप या फिर मर्डर नहीं है। जोकर एक मैन है जो बिलीव करता है कि जो लोग सिविलाइज्ड हैं वो सिर्फ सिविलाइज्ड होने का ढोंग कर रहे हैं, असलियत में वो सिविलाइज्ड नहीं है। वो उसके बुरे पास्ट की वजह से भी हो सकता है या कोई और भी वजह हो सकती है। जोकर एक नॉर्मल पर्सन नहीं है, मेरी या तुम्हारी तरह। वो अपने माइंड की एक्सट्रीम स्टेट पे हैं और बहुत ही फोकस्ड बंदा है। सपोज़ करो कि आप अपने डॉग को खो देते हो, तो आप क्या करोगे? एक नया डॉग ले लोगे। बट वहीं एक बंदा जो अपने डॉग को बहुत प्यार करता है, वो अपने डॉग को खो देता है तो वो क्या करेगा? मेरे ख्याल से तो वो नया डॉग नहीं लेगा, वो डॉग से हेट होने लगेगी। थोड़ा स्ट्रेंज है बट ये सही है, ये सच है। यही जोकर के साथ होता है। जब उसने अपने पार्टनर को जिससे वो प्यार करता था उसे खो देता है, तो अपने से भी ज़्यादा उससे वो प्यार करता था, तो वही टाइम होगा जब उसको ह्यूमैनिटी से उसका विश्वास उठ गया होगा और वो बिलीव करने लगा होगा कि हर इंसान के अंदर इविलनेस होती है, और अगर वो इविलनेस एक्सट्रीम लेवल पे हो जाए तो वो उस पर्सन को ही ले लेती है। जोकर एक ऐसा बंदा है जिसको अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, और वो एनालाइज नहीं, मतलब कोई भी उसका अपोजिट एनालाइज नहीं कर सकता है उसे। जोकर ने ट्राई किए, कभी भी ट्राई नहीं किया बैटमैन को किल करने का। कभी बैटमैन ने भी जोकर को किल करने के ट्राई नहीं किया। जोकर ट्राई करता था बैटमैन को अपसेट करने के लिए, उसे दिखाने के लिए कि उसे, मतलब ये दिखाने के लिए कि लोगों को जिसको वो बचा रहा है, गौतम के लोगों को, वो इविल हैं।
और बैटमैन ऐसा पर्सन था जो बिलीव करता था कि लोगों के अंदर अच्छाई है, तो जिनके ऊपर वो भरोसा कर सकता है। बैटमैन और जोकर कोई भी दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ नहीं हैं, वो अगर देखें तो दो माइंड हैं, लेकिन मतलब माइंड एक ही है लेकिन दो साइड्स हैं उनकी। अगर हम माइंड में, बैटमैन के माइंड में हम इविलनेस भर दें तो वो जोकर बन जाएगा, और जोकर के माइंड में गुडनेस भर जाए तो वो बैटमैन बन जाएगा। दोनों ही पर्सन बहुत ही एक्सट्रीमली डिटर्मिनेट हैं अपने गोल्स को लेकर, और यही दोनों में डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस भी हैं, दोनों के बिलीव्स डिफरेंट हैं। जोकर ने बैटमैन की वीकनेस को एनालाइज किया और दिखाना चाहा लोगों को कि जिस बैटमैन पे वो भरोसा करते हैं वो भरोसे के लायक नहीं है। टिपिकली जोकर ये चाहता था कि बैटमैन एक्सट्रीम प्रेशर में आके गोतम के लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ अपने पर्सनल बिहाफ पे डिसीजंस ले ले, और ऐसा ही एग्जैक्टली होता है जब वो जोकर रेचल और हार्वी डेंट को अलग अलग जगह पे रख देता है और बैटमैन से उनकी लोकेशन के बारे में झूठ बोलता है। तो देखिए कितना डीप जोकर सोचता है यहाँ पे। ऐसा कोई मैड बंदा नहीं कर सकता, उसको पता था वो क्या कर रहा है। जोकर एक पर्सन है जिसके बहुत ही अल्टीमेट गोल्स हैं ये दिखाना कि गौतम के लोग हार जाएं होप, और बैटमैन का असली कलर दिखाना, और बैटमैन को गौतम की सिटी का असली रंग दिखाना कि वो जिसे प्रोटेक्ट कर रहा है क्या वो उसके लायक हैं या नहीं है। वो एक मास्टरमाइंड था जो कि डार्क नाइट में सच में खेल गया। लास्ट में हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जोकर जो है उसकी मतलब फोकस ही उसकी पावर थी, डिटर्मिनेशन ही उसकी पावर थी। और मैं सबसे पहले अपने चरण रेड्डी नाम के एक यूज़र हैं जो क्वेरा यूज़र हैं, उनको इस पूरी जो भी मैंने बोला है उसका श्रेय देना चाहूँगा। तो लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।